इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि रूस पर प्रतिबंधों को और भी ज्यादा कड़ा किया जाए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि खासकर रूस की न्यूक्लियर इंडस्ट्री पर प्रतिबंध कड़े किए जाने चाहिए जो उसके मिसाइल कार्यक्रम के लिए काम कर रही है। पुतिन आर्मी के विध्वंसक हमले से विचलित यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से अपील की है कि रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खासकर रूस की न्यूक्लियर इंडस्ट्री पर प्रतिबंध कड़े किए जाएं जो उसके मिसाइल कार्यक्रम के लिए काम कर रही है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि ईयू ने रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए चर्चा शुरू कर दी है। प्रतिबंधों में रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जाएगा। मिशेल ने यह भी कहा है कि भविष्य में और कौन से सेक्टर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि उनके सैनिकों का हौसला ही काफी नहीं है, युद्ध जीतने के लिए यूक्रेन को हथियार भी चाहिए। ज़ेलेंस्की लगातार जर्मन टैंक लेपर्ड और अमेरिकी टैंक अब्राम की मांग कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देश यूक्रेन को घातक हथियार देने में सावधानी बरत रहे हैं। जब से ब्रिटेन ने मेन बैटल टैंक चैलेंजर 2 देने का ऐलान किया है, जर्मनी पर लेपर्ड टैंक देने का दबाव बढ़ गया है।